नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। झारखंड के कोडरमा से खबर है, जहां कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर के व्यस्तम इलाके झंडा चौक पर रविवार की रात एक महिला के साथ छिनैती की घटना को अंजाम दिया गया है। शहर के स्वास्तिक नगर की रहने वाली मालती देवी झुमरी तिलैया में काम से आई थी। वापस लौटने के क्रम में झंडा चौक के निकट एक युवक खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उससे मोबाइल मांगा। इसके बाद महिला ने उक्त युवक को अपना फोन बात करने के लिए दिया। इसी दौरान महिला के कंधे पर रखा थैला और पर्स नीचे गिर गया। जब महिला थैला और पर्स उठाने लगी, इसी दौरान मोबाइल पर बात कर रहा युवक उनका थैला और पर्स हाथ से छीनकर वही बगल में खड़े एक मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। महिला ने जब तक शोर मचाया तब तक वह काफी दूर चला गया था। महिला ने घटना को लेकर तिलैया थाना में आवेदन दिया है। इससे पहले भी कई बार शहर में अपराधियों के द्वारा निकली नकली पुलिसकर्मी बनकर अकेली महिलाओं को अपने झांसे में लेकर गहने और रुपयों की छिनैती का मामला सामने आ चुका है। हालांकि ऐसे मामलों के उद्भेदन में पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। जिस जगह पर यह घटना घटी है वह झुमरी तिलैया का सबसे व्यस्तम इलाका है और यहाँ हर वक्त काफ़ी भीड़ रहती है। मालती देवी छिनैती की शिकार महिला ने हमारे संवाददाता महादेव कुमार से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मार्केट से जा रहे थे घर पे, बच्चा लेते थे, मतलब उधर का काशीपुर तरफ का मतलब कोई आदमी था, बोले दीदी हमको थोड़ा मोबाइल दीजिए। बोले काहे के लिए, हमको कस नहीं है, वो थोड़ा सा दीजिए हमको, हम पुलिस है, हमको थोड़ा बात करना। जब तक दिए तब तक बात किया, उसके बाद मेरा थैला उसी बीच नीचे गिर गया। मेरा बच्चा था, उसको पर्स दे दिए, पर्स जब तक हम थैला उठाने लगे पर्स ले लिया, बच्चा कैसे ठेल लिया, फिर लेकर थैला भाग गया। मोबाइल और पर्स दोनों। पर्स में कितना पैसा था? पर्स में 4000 पैसा था, वो झुमका था, मोबाइल था, एटीएम था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।